रहीम बेटा आज हम कंप्यूटर एसेसरीज में जो है वो जॉयस्टिक की रीडिंग पढ़ेंगे जॉयस्टिक किस लिए यूज़ करते होते हैं और कंप्यूटर के साथ अटैच कैसे की जाती होती है और इसको इसको यूज़ कैसे करना है ए, इसका मेथड ऑफ यूजिंग क्या है यूज क्या है अच्छा जी जॉयस्टिक है है इज़ एस्टिक इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि यूज कर, किस लिए यूज़ करते होते हैं हम एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इसको अच्छा यहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच कच कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल हैंडल वर्टिकल हैंडल से मरा ये जो हैंडल है ये सीधा बिल्कुल आता है ऐसे और वर्टिकल हैंडल होता है और इसको लीवर भी बोलते होते हैं विच कैन मूव इन ऑल फोर डायरेक्शन इन तमाम डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेफ्ट में मूव कर सकता है राइट right में मूव कर सकता है अप एंड डाउन में मूव कर सकता होता है ये चारों डायरेक्शंस में जो एरो है वो मूव कर सकता होता है कर्सर ये लीवर मूव कर सकता होता है द लीवर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ और ऑफ अ कर्सर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता होता है यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऊपर वाली लाइन में कर्सर को मूव स्क्रीन जो एस्टिक ऑल्सो कंटेन्स द बटन्स कॉल द ट्रिगर्स तो इनके ऊपर जो बटन्स लगे होते हैं ये वाले <coughs> इनको ट्रिगर्स बोलते होते हैं ये वाले बटन्स होते हैं इनको ट्रीगर्स और यहाँ पे भी बटन लगे होते हैं डिफरेंट बटन और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं तो इनको ट्रिगर्स बोल देते हैं अच्छा जी नेक्स्ट पे हैं। आगे है जॉयस्टिक जॉयस्टिक एंड माउस आर सिमिलर जॉयस्टिक और माउस सिमिलर होते हैं कैसे वेरी सिमिलर इन फंक्शन फंक्शन इनके सेम होते हैं एक्सेप्ट वन फंक्शन कौन से वाला होता है एक्सेप्ट वन थिंग कौन सी वाली थिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है वैन यूजिंग द माउस जब आप माउस को यूज़ कर रहे होते हैं द कर्सर पॉइंट और द पॉइंटर कस्टर या कर्सर कर, कर, कर या पॉइंटर क्या होता है कर्सर या पॉइंटर में डिफरेंस होता है कर पॉइंटर ये दोनों चीज़ें पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते होते हैं जैसा कि अगर मैं आपको पॉइंट आउट करने के लिए ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है ये मैं एज अ पॉइंटर इसको यूज़ कर रहा हूँ फिंगर को एज अ पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ तो स्क्रीन के ऊपर जो हम कंप्यूटर के ऊपर पॉइंटर्स होते हैं वो एरो साइंस होते हैं एरो साइन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है वो कर, उसको हम बोलते होते हैं पॉइंटर और कर्सर क्या होता है कर्सर इस तरह का डंडा होता है बिल्कुल स्ट्रेट और जहाँ पे हमने इसको जहाँ पे ये वो ब्लिंक कर रहा होता है वहाँ पे हम मजीद उसको वहीं पे हम टाइपिंग कर स्टार्ट कर सकते हैं और आगे वो टेक्स्ट लिखना शुरू कर देता होता है <coughs> अच्छा आपको पढ़ाता था कर्सर या पॉइंटर जो होते हैं वो स्टॉप मूविंग एज सून जल्द मूव करना शुरू कर देते हैं एज यू स्टॉप द मूविंग द माउस जब आप माउस को मूव करना बंद करते हैं तो वो फ़ौरन से ही वो मूव करना बंद कर देता है कर्सर लेकिन जब आप जब आप जॉयस्टिक को यूज कर रहे थे, तो जो होते हैं तो जॉयस्टिक जो होती है वो वो उसकी मूवमेंट रुकती नहीं है वेन आ जॉयस्टिक और द कर्सर और पॉइंटर जब आप पॉइंटर जॉयस्टिक पे को यूज़ करते हुए कर्सर या पॉइंटर को मूव कर रहे होते हैं तो वो मूव करना तब तक नहीं रुकता जब तक आप ये इसके जो हैंडल है उसको स्ट्रेट आप छोड़ नहीं देते ये पिछले स्क्रीन की ये देखा ये स्ट्रेट अगर आप इसको लेफ्ट या राइट मूव कर रहे होते हैं लेफ़्ट या राइट या बैक या फॉरवर्ड तो कहीं मूव कर रहे होते हैं तो ये उस डायरेक्शन में कर्सर को मूव करवाता रहता है उतनी देर मूव करवाता रहता है जितनी देर आप इसको स्ट्रेट छोड़ नहीं देते तो इसको स्टेट छोड़ना जरूरी है तो उसके बाद ये मूव इसकी कर्सर की मूवमेंट जरूर रुक जाती है कर्सर मैं आपको पहले भी बता चुका होता हूँ बता चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर जो होता है आ, एरो का साइन वो कर्सर होता है उनको डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते होते हैं अच्छे विद द जॉयस्टिक द कर्सर एंड द पॉइंटर्स कंटिन्यू द मूविंग कर्सर और पॉइंटर जो होते हैं वो कंटिन्यू जारी रखते हैं मूविंग द डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को द जॉयस्टिक और इज अ पॉइंटिंग जो एस्टिक ने जहाँ पे पॉइंट किया तो उस साइड पे कर्सर जो है मूव करता रहता है टू स्टॉप द पॉइंटर जब आपने पॉइंटर को स्टॉप करना है यू हैव टू स्ट्रेट द लीवर आपने लीवर को स्ट्रेट छोड़ देना जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लीवर को स्ट्रेट छोड़ेंगे तो वो पॉइंटर जो है वो मूव करना बंद कर देगा स्ट्रेटन लिखा हुआ है स्ट्रेटन मतलब सीधा द जोएस्टिक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द प्लेंग गेम सबसे आम इस्तेमाल होने वाली जो डिवाइस है गेम खेलने के लिए वो जो ही होती है तो कर्स जैसे किस तरह से आप गेम खेलते हैं पूरा कार रेसिंग वाली कोई गेम खेलें तो कार रेसिंग वाली गेम के लिए आपके सामने ये लीवर होता है इसको लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं तो कार जो है वो लेफ्ट राइट फॉवर्ड बैकवर्ड जो, जो है मूव करना शुरू कर देती होती है तो आप इसकी हेल्प से ज़्यादातर गेम्स ही खेलते होते हैं तो आज का जो काम है आपने इसको रीड आउट करना है और इसकी जो जब आप इसको याद कर लेंगे तो इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मुझे इनबॉक्स में करेंगे तो मैं देख लूँगा कि किस किस को रीडिंग आ रही है और किसको नहीं आ रही है आपने पहले इसको अच्छे से रीड आउट करना है और स्पेलिंग मिस्टेक के अलावा अच्छे से इसका प्रोनाउंस भी अच्छे से करना है <coughs> आज का आपका यही काम है रीडिंग जस्ट ओके जी अल्लाह हाफिज़